छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से खबर है जहां पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए लोक अदालत लगाया गया, जिसमें सभी तरह के स्टॉल लगाकर पुराने पड़े मामलों को सुलझाया गया। अदालत में सालों से पेंडिंग मामले एक दिन में सुलझाने के लिए लोक अदालत लगाई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला और सत्र न्यायालय राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। बता दें कि नेशनल लोक अदालत में क्लेम, परिवार के विवाद, श्रम, बैंक, चेक बाउंस, यातायात, जलकर, नगर निगम संबंधित, विद्युत संबंधित धारा 138 NIA संबंधित मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इस बार भी नेशनल लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में राजनांदगांव में किया जा रहा है। इसमें हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत टोटल 47 खंडपीठ का खंडपीठ बनाए हुए हैं, जिसमें रेवेन्यू प्रकरण 138 के प्रकरण, मतलब चेक बाउंस से संबंधित मामले, और आपका राजस्व के मामले, नगर निगम से संबंधित है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल से संबंधित मामले हैं, पारिवारिक मामले जो भी हैं, घरेलू हिंसा के मामले हैं, फैमिली कोर्ट के मैटर जो हैं, और क्रिमिनल दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, सारे प्रकरणों को इसमें रखा गया है। और टोटल लगभग हम लोग 1.5 लाख प्रकरण को अभी तक चिन्हांकित किए हैं, उनको रखा गया है राजीनामा के आधार पर उनका निराकरण करने के लिए। और ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो बड़ा जिला है, तीन तीन यहाँ पे जिले हैं राजस्व के, उसको देखते हुए हमारा जो प्रकरण बढ़ सकता है।